फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए मैंने दस नंबर की सिलाई ली है और देखिए नॉर्मल साइज का ऊन लिया है मैंने वर्धमान का देखिए इसमें हम ऐसे डिजाइनर वाले फंदे बनाएंगे तो डिजाइनर वाले फंदे बनाने के लिए हमें चार पार्ट का ऊन करना रहता है देखिए ऐसे चार पार्ट का हम ऊन करेंगे अब यहाँ पे हमें ऐसे नॉट लगाना है देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे फंदा बनाना है ये जो सिंगल वाला धागा है वो ऐसे हम इस उंगली में करेंगे और ये वाला धागा हम ऐसे अंगूठे में अब यहाँ पे इस साइड से हम सिलाई डालेंगे और धागा देखिए हमें इस साइड में ऐसे लेके आना है यहाँ पे देखिए ये एक फंदा बन गया अब हमें अंगूठे को ऐसे घुमाना है और यहाँ पर हम ऐसे सिलाई करेंगे और ये वाला फंदा देखिए हम ऐसे इस साइड में लेके आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये दो फंदा हो गया हमें इसी तरह से ये डिज़ाइनर वाले फंदे बनाने हैं एक बार हमें अंगूठा इस साइड में करना है ऐसे हम एक फंदा बनाएंगे अब हम अंगूठे को ऐसे पलटेंगे और यहाँ पे हम ऐसे एक फंदा बनाएंगे देखिए इसी तरह से हमें यहाँ पे फंदे बनाने हैं देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें इक्यावन फंदे डाले हैं आप देखिए अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इसे बनाइए आप सोलह के मल्टीपल में फंदे डाल लीजिएगा देखिए ये डिज़ाइन सोलह के मल्टीपल में चलती है देखिए सोलह फंदे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह देखिए ये सोलह फंदा हो गया तो यहाँ से यहाँ तक हमने डिज़ाइन के लिए सोलह फंदे रख लिए हैं उसके बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह देखिए सोलह फंदा यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे भी ये डिज़ाइन का फंदा हो गया उसके बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह फंदा देखिए ये डिज़ाइन का हो गया सोलह सोलह हमें यहाँ पे ऐसे बना लेना है उसके बाद हमें प्लस एक करना है मतलब डिज़ाइन के लिए हमें एक फंदा इसमें प्लस करना है देखिए ये वाला एक फंदा हमने इसमें ऐड कर लिया तो यहाँ पे ये डिज़ाइन ऐसे सेट हो गई तो आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इसे बनाइए तो सोलह सोलह फंदा ऐसे बना लीजिएगा और एक फंदा इसमें ऐड कर दीजिएगा तो ये डिज़ाइन आपके किसी भी प्रोजेक्ट में सेट हो जाएगी अब उसके बाद देखिए ये जो दो फंदा है ये हमें अलग से एक्स्ट्रा रखना है मतलब ये एक फंदा हम एक्स्ट्रा करेंगे इस डिज़ाइन के लिए सोलह सोलह के मल्टीपल में जो डिज़ाइन बना रहे हैं और उसके बाद देखिए ये दो फंदा हम अलग से एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमें एक फंदा इस साइड में रखना है और एक फंदा हमें इस साइड में रखना है तो इसमें से ये वाला एक फंदा हम इस साइड में कर लेंगे देखिए एक फंदा हम इस साइड में एक्स्ट्रा करेंगे और एक फंदा हम इस साइड में एक्स्ट्रा करेंगे उसके बाद यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक डिज़ाइन हो गई एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ये एक डिज़ाइन हो गई एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह यहाँ पे सोलह सोलह हो गया और ये एक फंदा इसमें हमने प्लस कर दिया तो ये डिज़ाइन का फंदा सेट हो गया आप इसी तरह से डिज़ाइन को सेट कर लीजिएगा दो फंदा यहाँ पे एक्स्ट्रा और प्लस ये वाला एक फंदा एक्स्ट्रा इसी तरह से हमें डिज़ाइन को सेट करना है देखिए बॉर्डर का फंदा हमने बना लिया है अब हमें इसे बुनना है देखिए पहली लाइन हमें उल्टी बुननी है देखिए इस तरह से हम बुनेंगे देखिए इस तरह से हमें यहां से यहां तक बनाना है देखिए मेरी ये लाइन पूरी हो गई है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में देखिए ये इसकी राइट साइड है सीधी तरफ अब देखिए एक लाइन हमने उल्टा बुन लिया है अब देखिए दूसरी लाइन भी हमें उल्टा बुनना है देखिए पहला फंदा हमें ऐसे बगैर बुने हुए उतार लेना है धागा हम इस साइड से ऐसे आगे करेंगे और देखिए इसे हम ऐसे उल्टा बुनेंगे देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक बनाना है देखिए मेरी ये लाइन पूरी हो गई है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में उल्टी तरफ देखिए दो लाइन हमने उल्टा बना लिया है अब इसकी ये तीसरी लाइन भी हम उल्टा बनाएंगे पहला फंदा हमें ऐसे उतार लेना है धागा आगे करके ऐसे हम उल्टा फंदा बुनेंगे देखिए इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे देखिए मेरी ये लाइन पूरी हो गई है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरह देखिए तीन लाइन हमने यहाँ पे उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है अब हमें यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है अब देखिए ये पहला फंदा हमें ऐसे बगैर बुने हुए उतार लेना है ये फंदा हमारा एक्स्ट्रा है तो इसे हम ऐसे उतार लेंगे धागा आगे करेंगे अब देखिए यहाँ पे हमें डिजाइन बनाना है देखिए ये दो फंदा हमें एक साथ ऐसे उल्टा बुनना है यहाँ पे हमें एक फंदा ऐसे घटाना है धागा देखिए इस साइड में है इसे हम ऐसे उल्टा बुनेंगे तो यहाँ पे एक फंदा ऐसे कम हो जाएगा और उसके बाद देखिए हमें छः फंदा उल्टा बुनना है एक दो तीन चार पाँच छः छः फंदा हमने उल्टा बना लिया है अब यहाँ पे हमें एक फंदा बढ़ाना है और एक जाली बनानी है तो धागा हम पीछे के साइड में करेंगे और यहाँ पे देखिए हमें ऐसे लपेटना है तो यहाँ पे ये देखिए एक फंदा बढ़ गया और यहाँ पे ऐसे एक जाली बन जाएगी अब देखिए ये एक फंदा हमें सीधा बुनना है देखिए एक फंदा हमने सीधा बना लिया है अब देखिए एक फंदा हमें यहाँ पे भी बढ़ाना है और एक जाली बनानी है तो यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे धागा हमें ऐसे आगे करना है और यहाँ पे हम इस तरह से लपेटेंगे देखिए एक फंदा यहाँ पे भी बढ़ गया और यहाँ पे भी ऐसे देखिए एक जाली बन जाएगी जैसे यहाँ पे बन गई है अब देखिए यहाँ पे हमें छः फंदा उल्टा बनाना है एक दो तीन चार पाँच छ छः फंदा यहाँ पे उल्टा अब यहाँ पे हमें फंदों को घटाना है हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाया है तो यहाँ पे हम फंदा घटाएंगे देखिए ये तीन फंदा हमें एक साथ ऐसे उल्टा बनाना है तो यहाँ पे दो फंदा कम हो जाएगा देखिए धागा हमें इसी साइड में रखना है इसे हम ऐसे उल्टा बनाएंगे तीनों फंदों को अब इसे हम उतार देंगे तो यहाँ पे दो फंदा कम हो गया अब यहाँ पे हम छः फंदा उल्टा बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः फंदा उल्टा अब देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पे फंदों को बढ़ाया है और जाली बनाई है इसी तरह से हमें यहाँ पे फंदों को बढ़ाना है और जाली बनानी है तो धागा हम पीछे करेंगे और ऐसे हम लपेटेंगे तो यहाँ पे देखिए एक फंदा ऐसे बढ़ जाएगा अब एक फंदा हम सीधा बुनेंगे सीधा अब इस साइड में भी हमें एक फंदा बढ़ाना है और एक जाली बनानी है तो धागा हम ऐसे आगे करेंगे और यहाँ पे देखिए ऐसे हम लपेटेंगे तो यहाँ पे भी ये एक फंदा बढ़ गया अब इसे हम उल्टा बुनेंगे यहाँ पे छः फंदा देखिए एक दो तीन चार पाँच छ छः फंदा उल्टा अब यहाँ पे हम फंदों को घटाएंगे तो जैसे हमने यहाँ पे घटाया था तीन फंदा एक साथ उसी तरह से हमें यहाँ पे करना है देखिए ये तीन फंदा हमें एक साथ ऐसे उल्टा बुनना है धागा इसी साइड में है ऐसे हम इसे उल्टा बोलेंगे तो यहाँ पे दो फंदा कम हो जाएगा यहाँ पे फंदा घट गया अब यहाँ पे हम छः फंदा उल्टा बनाएंगे धागा देखिए इसी साइड में है ए दो तीन चार पाँच छ छः फंदा उल्टा अब यहाँ पे हमें फंदों को बढ़ाना है और जाली बनानी है तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया है यहाँ पे बनाया है इसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना है धागा हम पीछे करेंगे ऐसे हम लपेटेंगे एक फंदा हम सीधा बुनेंगे देखिए यहाँ ये एक फंदा बढ़ गया और यहाँ पे ऐसे एक जाली बन गई है अब यहाँ पे भी हमें एक फंदा बढ़ाना है और जाली बनानी है तो धागा आगे करके ऐसे हम लपेटेंगे तो यहाँ पर भी देखिए एक फंदा ऐसे बढ़ जाएगा अब छः फंदा हम उल्टा बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः फंदा उल्टा अब यहाँ पे लास्ट में इसे हम दो का एक करेंगे मतलब ये देखिए दोनों फंदे में हम सिलाई डाल के यहाँ पे एक साथ इसे बोल लेंगे उल्टा तो यहाँ पे एक फंदा कम हो जाएगा और ये लास्ट का एक फंदा उल्टा हमने एक्स्ट्रा रखा है देखिए इसी तरह से ये लाइन कंप्लीट हो गई है देखिए हमने यहाँ पे दो का एक किया है और यहाँ पे दो का एक किया है बाकी बीच में हमने तीन का एक किया है तो इसी तरह से ये डिज़ाइन बनती है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में उल्टी तरफ अब देखिए रॉन्ग साइड से हमें पूरी लाइन उल्टी बनानी है पहला फंदा हमें ऐसे उतार लेना है धागा आगे करके देखिए ऐसे हमें उल्टा फंदा बुनना है अब देखिए ये जो तो जाली वाला फंदा है इसे भी हम ऐसे उल्टा बुनेंगे देखिए यहाँ पे है इसे देखिए ऐसे हमें उल्टा बुनना है और ये बीच वाला फंदा इसे हम ऐसे बुनेंगे और देखिए ये जाली वाला फंदा इसे भी हम ऐसे उल्टा बुनेंगे देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करना है देखिए मेरी ये लाइन पूरी हो गई है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरह देखिए यहाँ पे हमें किस तरह से बनाना है पहला फंदा हम उसी तरह से बगैर बुने हुए उतारेंगे धागा आगे करके देखिए दो का हम यहाँ पे एक करेंगे यानी दो फंदों को हम ऐसे एक साथ उल्टा बुनेंगे यहाँ पे देखिए एक फंदा ऐसे कम हो गया है अब यहाँ पे हमें पांच फंदा उल्टा बनाना है इसके पहले हमने यहाँ पे छह फंदा उल्टा बनाया था तो यहाँ पे ये फंदा ऐसे कम होते हुए जाएगा अब हमें इस लाइन में पांच फंदा उल्टा बनाना है देखिए ए दो तीन चार पाँच पाँच फंदा उल्टा अब देखिए हम यहाँ पे जाली के पास आ गए हैं ये देखिए जाली वाला पंदा है तो यहाँ पे हमें जाली बनानी है धागा हम पीछे करेंगे यहाँ पे हमें एक पंदा बढ़ाना है और एक जाली बनानी है तो यहाँ पे देखिए ऐसे हम लपेटेंगे तो यहाँ पे एक पंदा ऐसे बढ़ जाएगा अब देखिए यहाँ पे एक दो तीन ये तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे देखिए यहाँ पे ऐसे ये फंदा ऐसे बढ़ते हुए जाएगा और यहाँ पे ये फंदा कम होते हुए जाएगा देखिए ये सीधा फंदा है ए दो तीन तीन फंदा यहाँ पे, पे सीधा अब यहाँ पे भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे और एक जाली बनाएंगे धागा हम इस साइड में करेंगे और ऐसे हम लपेटेंगे अब यहाँ पे हम पांच फंदा उल्टा बनाएंगे यहाँ पे देखिए एक फंदा ऐसे बढ़ गया है एक दो तीन चार पाँच पाँच फंदा यहाँ पे उल्टा हो गया अब यहाँ पे हमें तीन फंदों को एक साथ उल्टा बनाना है यहाँ पे हमें फंदों को घटाना है देखिए तीनों फंदे में हम सिलाई डालेंगे और ऐसे देखिए धागा इसी साइड में है ऐसे हम तीन का एक करेंगे अब यहाँ पे हम पांच फंदा उल्टा बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच अब देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं जाली के पास अब यहाँ पे हमें एक बंदा पढ़ाना है और जाली बनानी है धागा पीछे करके ऐसे हम लपेटेंगे और यहाँ पे हम ये तीन पंदा सीधा बनाएंगे एक दो तीन अब यहाँ पे भी हमें एक पंदा बढ़ाना है धागा आगे करके हम इस साइड से ऐसे लपेटेंगे यहाँ पे देखिए एक पंदा बढ़ गया अब हमें पांच फंदा उल्टा बनाना है एक दो तीन चार पांच पांच फंदा उल्टा अब यहाँ पे हम फंदों को घटाएंगे तो हम यहाँ पे तीन का एक करेंगे देखिए तीनों फंदे में हम ऐसे सिलाई करेंगे और यहाँ पे हम ऐसे उल्टा बुनेंगे तो यहाँ पे दो फंदा कम हो गया है अब यहाँ पे पांच फंदा हम उल्टा बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच अब देखिए यहाँ पे हम जाली के पास आ गए हैं तो यहाँ पे हम उसी तरह से बनाएंगे जिसे हमने यहाँ पे बनाया ऐसे हम धागा लपेटेंगे यहाँ पे एक फंदा ऐसे बढ़ जाएगा तीन पंदा सीधा ए दो तीन धागा आगे करके यहाँ पे भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे लपेटेंगे और यहाँ पे हम पांच फंदा उल्टा बनाएंगे एक दो तीन चार पांच अब यहाँ पे देखिए ये दो फंदा हमें एक साथ ऐसे उल्टा बुनना है यहाँ पे हमें एक फंदा ऐसे कम करना है देखिए एक, एक फंदा यहाँ पे कम हो गया और ये लास्ट का एक्स्ट्रा फंदा इसे हम ऐसे उल्टा बना देंगे देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट हो रही है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में उल्टी तरफ अब देखिए रॉन्ग साइड से हमें पूरी लाइन उल्टी बनानी है देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन उल्टी बनानी है देखिए मेरी ये लाइन पूरी हो गई अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरफ पहला फंदा हमें ऐसे उतारना है धागा आगे करेंगे अब यहाँ पे देखिए दो फंदों का हम एक करेंगे यहाँ पे भी हम ऐसे फंदा घटाएंगे यहाँ पे देखिए एक फंदा कम हो गया अब यहाँ पे हमें चार फंदा उल्टा बनाना है क्योंकि यहाँ पे फंदे ऐसे देखिए कम होते हुए जा रहे हैं तो यहाँ पे अब हम चार फंदा बनाएंगे एक दो तीन चार चार फंदा उल्टा हम यहाँ पे देखिए जाली के पास आ गए हैं तो यहाँ पे हमें जाली बनानी है धागा पीछे करेंगे यहाँ पे हमें एक फंदा बढ़ाना है तो यहाँ पे हम ऐसे लपेटेंगे यहाँ पे एक फंदा ऐसे बढ़ जाएगा अब यहाँ पे देखिए ये जो सीधा वाला फंदा है ये ज़्यादा होते हुए जा रहा है और ये उल्टा वाला कम होते हुए जा रहा है तो यहाँ पर अब हम पाँच फंदा सीधा बुनेंगे ए दो तीन चार पाँच पाँच फंदा सीधा अब यहाँ पे भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे और एक जाली बनाएंगे। धागा आगे करके ऐसे हम लपेटेंगे तो यहाँ पे एक फंदा ऐसे बढ़ जाएगा अब यहाँ पे चार फंदा हम उल्टा बनाएंगे एक दो तीन चार चार फंदा उल्टा अब यहाँ पे हमें फंदों को घटाना है तो तीनों फंदे में हम ऐसे सिलाई डाल के तीन का हम एक करेंगे धागा इसी साइड में है ऐसे हम तीन का एक करेंगे तो दो फंदा यहाँ पे कम हो जाएगा चार फंदा उल्टा एक दो तीन चार हम यहाँ पे देखिए जाली के पास आ गए हैं तो जाली के पास हमें उसी तरह से बनाना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया है धागा ऐसे पीछे करके लपेटेंगे एक फंदा यहाँ पे ऐसे बढ़ जाएगा एक दो तीन चार पाँच फंदा सीधा अब यहाँ पे भी फंदा बढ़ाना है धागा आगे करके ऐसे हम लपेटेंगे चार फंदा उल्टा बनाएंगे एक दो तीन चार अब यहाँ पे हम फंदों को घटाएंगे यहाँ पे हम ऐसे तीन का एक करेंगे तीनों फंदे में सिलाई डाल के उल्टा बनाएंगे अब चार फंदा हम हाँ उल्टा बनाएंगे एक दो तीन चार अब देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं जाली के पास तो यहाँ पे हम हाँ फिर से जाली बनाएंगे धागा पीछे करके एक फंदा हम हाँ ऐसे बढ़ाएंगे और एक जाली बनाएंगे ए दो तीन चार पच फंदा सीधा धागा आगे यहाँ पे भी हम ऐसे लपेट के एक बंदा बढ़ाएंगे एक दो तीन चार फंदा उल्टा अब यहाँ पे हम ये दो का एक करेंगे एक बंदा उल्टा ये लाइन कंप्लीट हो गई अब इसे हम पलट लेंगे इसके रॉन्ग साइड में उल्टी तरफ पहला फंदा इसे उतार लीजिए धागा आगे करके देखिए ये पूरी लाइन हमें उल्टी बनानी है ये इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक बनाना है देखिए मेरी ये लाइन पूरी हो गई है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरफ देखिए पहला फंदा हमें ऐसे उतारना है धागा आगे करके दो फंदों का हम एक करेंगे दोनों फंदे में हम सिलाई डालेंगे कि इस तरह से हमें यहाँ पे एक फंदा कम कर देना है अब यहाँ पे देखिए हमें ये तीन फंदा उल्टा बनाना है क्योंकि यहाँ पे फंदा कम हो रहा है तो ए दो तीन तीन फंदा उल्टा हम यहाँ पे देखिए जाली के पास आ गए हैं तो यहाँ पे हम एक जाली बनाएंगे और एक फंदा बढ़ाएंगे धागा पीछे करके ऐसे हम लपेटेंगे अब यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात देखिए सात फंदा यहाँ पे हम सीधा बनाएंगे। यहाँ पे देखिए बढ़ के फंदा यहाँ पे सात हो गया है अब यहाँ पे हमें एक फंदा बढ़ाना है और एक जाली बनानी है तो धागा आगे करेंगे और ऐसे हम लपेटेंगे अब यहाँ पे हम तीन फंदा उल्टा बनाएंगे एक दो तीन अब यहाँ पे हमें फंदों को घटाना है तो यहाँ पे तीन का हम एक करेंगे तो यहाँ पे दो फंदा ऐसे कम हो जाएगा अब तीन फंदा हम उल्टा बनाएंगे ए दो तीन अब देखिए यहाँ पे हम इस जाली के पास आ गए हैं तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया है धागा पीछे करके ऐसे हम लपेटेंगे यहाँ पर फंदा ऐसे बढ़ जाएगा और तो देखिए हमें सीधा फंदा बुनना है ए दो तीन चार पाँच छः सात सात फंदा सीधा धागा आगे यहाँ पे भी हम एक फंदा ऐसे लपेट के बढ़ाएंगे, अब यहाँ पे हम तीन फंदा उल्टा बनाएंगे, एक दो तीन अब यहाँ पे हमें फंदा घटाना है तो तीनों फंदे में हम ऐसे सिलाई करके तीन का एक करेंगे यहाँ पे दो फंदा कम हो गया तीन फंदा उल्टा बनाएंगे एक दो तीन यहाँ पे जाली के पास आ गए हैं तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से करेंगे धागा ऐसे पीछे करके लपेट के हम एक फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम सात फंदा सीधा बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच सात धागा आगे करके ऐसे हम लपेट के यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ पे तीन फंदा हम उल्टा बुनेंगे ए दो तीन अब यहाँ पे ये यह हम दो का एक करेंगे दोनों फंदे में हम सिलाई डाल के ऐसे हम उल्टा बुनेंगे और ये लास्ट का फंदा उल्टा देखिए इस तरह से ये बन रहा है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में तो फ्रेंड्स रॉन्ग साइड से हमें पूरी लाइन उल्टी बनानी है उसी तरह से जिस तरह से हम बनाते हुए आ रहे हैं देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक बनाना है देखिए मेरी ये लाइन पूरी हो गई है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरफ देखिए पहला फंदा हम इसे उतारेंगे धागा आगे करके हम यहाँ पे दो का एक करेंगे देखिए दोनों फंदे में हम ऐसे सिलाई डालेंगे अब यहाँ पे हम एक फंदा इसे कम कर देंगे ऐसे एक फंदा यहाँ पे कम हो गया है अब देखिए यहाँ पे हमें दो फंदा उल्टा बनाना है एक दो अब यहाँ पे देखिए ये जाली वाला फंदा है हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे हम एक फंदा ऐसे बढ़ाएंगे और एक जाली बनाएंगे अब यहाँ पे देखिए सीधा हमें बुनना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ देखिए यहाँ पे नौ फंदा हमें सीधा बुनना है अब यहाँ पे हमें एक फंदा बढ़ाना है धागा आगे करके ऐसे हम एक फंदा बढ़ाएंगे अब यहाँ पे दो फंदा हम उल्टा बनाएंगे एक दो अब यहाँ पे हम तीन का एक करेंगे यहाँ पे हमें ऐसे फंदा घटाना है तीन का एक अब यहाँ पे दो फंदा उल्टा एक दो अब यहाँ पे देखिए हम इस जाली के पास आ गए हैं तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से करेंगे धागा पीछे करके एक फंदा ऐसे बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम सीधा फंदा बुनेंगे देखिए नौ फंदा यहाँ पे ऐसे सीधा बुनेंगे अब धागा आगे करके यहाँ पे भी हम एक फंदा ऐसे बढ़ाएंगे दो फंदा उल्टा ए दो अब यहाँ पे हमें फंदों को घटाना है तो तीनों फंदे में हम ऐसे सिलाई डाल के ऐसे हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे तो यहाँ पे दो फंदा कम हो गया अब दो फंदा उल्टा ए दो अब यहाँ पे जाली के पास आ गए हैं यहाँ पे भी हम उसी तरह से करेंगे धागा ऐसे पीछे करके लपेटेंगे एक बंदा ऐसे बढ़ जाएगा अब यहाँ पे हम सीधा फंदा बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ फंदा सीधा धागा आगे ऐसे हम लपेट के एक फंदा बढ़ाएंगे दो फंदा उल्टा एक दो अब यहाँ पे हम दो का एक करेंगे यहाँ पे हम एक फंदा ऐसे घटा देंगे और ये लास्ट का फंदा ऐसे उल्टा ये लाइन कंप्लीट हो गई अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में तो रॉन्ग साइड से हमें उसी तरह से बनाना है पहला फंदा उतार लीजिए देखिए इस तरह से हम उल्टा फंदा बुनेंगे देखिए यहाँ से यहाँ तक हम इसी तरह से बनाएंगे देखिए मेरी ये लाइन पूरी हो गई है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरह देखिए पहला फंदा हमें इसे उतारना है धागा आगे करके देखिए यहाँ पे भी हम उसी तरह से करेंगे दो फंदों का हम एक करेंगे देखिए दो फंदा जैसे एक साथ उल्टा एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे अब देखिए ये जाली वाला फंदा है यहाँ पे हमें जाली बनानी है और एक फंदा बढ़ाना है धागा पीछे करके देखिए ऐसे हम लपेटेंगे और देखिए यहाँ ये यह जाली वाला फंदा हमें ऐसे सीधा बुनना है ए दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह फंदा देखिए यहाँ पे हमें सीधा बुनना है अब यहाँ पे धागा आगे करके ऐसे हम लपेट के एक फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ पे ऐसे हम जाली बनाएंगे। अब यहाँ पे एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें फंदा घटाना है तो ये तीनों फंदे में हम ऐसे सिलाई डाल के ऐसे उल्टा बनाएंगे यहाँ पे दो फंदा ऐसे कम हो जाएगा फिर एक फंदा हम ऐसे उल्टा बनाएंगे अब देखिए ये वो जाली वाला फंदा है तो यहाँ पे हम जाली बनाएंगे और फंदा बढ़ाएंगे। धागा पीछे करके ऐसे हम लपेटेंगे अब यहाँ पे हम सीधा फंदा बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह देखिए यहाँ पे ये ग्यारह फंदा हमें सीधा बनाना है धागा आगे करके यहाँ पे हम ऐसे लपेट के एक फंदा बढ़ाएंगे और एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे अब यहाँ पे हम फंदों को घटाएंगे तीनों फंदे में हम सिलाई डाल के ऐसे एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे तो दो फंदा यहाँ पे कम हो जाएगा एक फंदा उल्टा अब यहाँ पे एक जाली के पास आ गए हैं तो यहाँ पे हम उसी तरह से करेंगे धागा पीछे करके ऐसे लपेट के एक फंदा बढ़ाएंगे और इसे हम सीधा बुनेंगे ग्यारह फंदा यहाँ पे सीधा बनाएंगे धागा आगे करके ऐसे लपेट के हम एक फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ पे एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे अब देखिए ये दो का हम एक करेंगे दो फंदों को हमें ऐसे एक साथ उल्टा बुनना है तो यहाँ पे एक फंदा ऐसे कम हो जाएगा और ये वाला पंदा हमें ऐसे उल्टा बुनना है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में तो रॉन्ग साइड से हमें उसी तरह से बनाना है पहला पंदा ऐसे उतार लेंगे धागा आगे करके देखिए ऐसे हम उल्टा बनाएंगे देखिए ये जाली वाला पंदा है इसे भी हम ऐसे उल्टा बनाएंगे मेरी ये लाइन पूरी हो गई है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरह देखिए यहाँ पे इस तरह से ये वाला फंदा बढ़ते हुए गया है और ये वाला ऐसे कम होते हुए गया है अब यहाँ पे पहला फंदा ऐसा उतारेंगे धागा आगे करके देखिए यहाँ पे हम दो का एक करेंगे दोनों फंदे में हम सिलाई डाल के ऐसे उल्टा बुनेंगे अब देखिए यहाँ पे ये यह जाली वाला फंदा है तो यहाँ पे ये वाला फंदा खत्म हो गया है तो यहाँ पे हम धागा पीछे करके देखिए ऐसे हम फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम सीधा फंदा बुनेंगे देखिए जाली वाला फंदा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह देखिए यहाँ पे हमें तेरह फंदा सीधा बुनना है अब यहाँ पे हमें एक फंदा बढ़ाना है धागा आगे करके ऐसे हम लपेटेंगे तो यहाँ पे एक फंदा ऐसे, ऐसे बढ़ जाएगा अब देखिए यहाँ पे हमें ये तीनों फंदों को एक साथ उल्टा बुनना है देखिए ये वाला फंदा यहाँ पे ख़त्म हो गया है तो यहाँ पे हम ऐसे तीन फंदा एक साथ उल्टा बुनेंगे यहाँ पे देखिए ये दो फंदा कम हो गया अब देखिए यहाँ पे ये यह जाली वाला फंदा आ गया तो यहाँ पे हमें फंदा बढ़ाना है धागा पीछे करेंगे ऐसे हम लपेट के एक फंदा बढ़ाएंगे अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें सीधा बनाना है तेरा फंदा देखिए यहाँ पे हमने तेरह फंदा बना लिया अब यहाँ पे हमें एक फंदा बढ़ाना है धागा आगे करके ऐसे हम लपेट के एक फंदा बढ़ाएंगे अब यहाँ पे हमें देखिए ये तीन फंदे का एक करना है देखिए ये जारी वाला फंदा है उसके बाद देखिए यहाँ पे ये यह तीन फंदा बचा है ऐसे हम तीन का एक करेंगे ये वाला फंदा देखिए अब ख़त्म हो गया है ऐसे हम उल्टा बनाएंगे यहाँ पे ऐसे फंदा घट गया अब यहाँ पे ये जाली वाला फंदा तो यहाँ पे हमें फंदा बढ़ाना है और एक जाली बनानी है धागा हम पीछे करेंगे ऐसे लपेट के एक फंदा बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हमें सीधा फंदा बुनना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह देखिए तेरह फंदा सीधा धागा आगे करके ऐसे हम लपेट के एक फंदा बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे ये दो का हम एक करेंगे देखिए ये दोनों फंदा हमें एक साथ ऐसे उल्टा बनाना है तो यहाँ पे एक फंदा ऐसे कम हो गया अब ये एक फंदा ऐसे उल्टा अब देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो गई है देखिए यहाँ पे ये वाला फंदा कम होके यहाँ पे एक बचा है और ये वाला फंदा देखिए यहाँ पे ऐसे बढ़ गया है इसे हम पलट लेंगे इसके रॉन्ग साइड में पहला फंदा उतारेंगे धागा आगे करके देखिए ऐसे हमें उल्टा बुनना है ये जाली वाला फंदा है तो इसे हम ऐसे बुनेंगे देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक बनाना है देखिए ये लाइन कंप्लीट हो गई इसे हम पलट लेंगे देखिए ये डिजाइन इस तरह से दिख रही है अब देखिए इसके ऊपर आप अपने पसंद का कोई भी डिजाइन बना लीजिए या फिर आप इसे सादा बना लीजिए ये आपकी अपनी पसंद है बॉर्डर इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू